इन द सॉन्ग जो गीत के अंदर क्या है म्यूज़िक बजती है जिसको हम क्या है आ, आ, उसको हम एंथम बोलते हैं इसलिए हम अपने नेशनल एंथम बोलते हैं नेशनल एंथम मतलब आ, कौमी तराना तो तराना को हम क्या है एंथम बोलते हैं जिसके अंदर हल्की सी क्या म्यूज़िक भी होती है सो एंथम यहाँ पे क्या मतलब है इसका कॉप का मतलब तो यहाँ पे कॉप रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ को यानी कॉप मीन्स यहाँ पे लॉ है कानून का आ, सोपी जो है वो कानून के पीछे पड़ता है लॉक का सहारा लेता है अपने जो डिज़ायर हो उसको फुलफ़िल करने के लिए और एंथम ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स द बेटर नेचर ऑफ सोपी ओके एंड द डिज़ायर टू रिफॉर्म उसके अच्छे नेचर को क्या है सोपी के अच्छे नेचर को क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है सोपी एक कैरेक्टर है इसके अंदर इस स्टोरी के अंदर जो चाह रहा है कि वो कुछ रिफॉर्म कर ले अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बन जाए और एक्चुअली वो जैसा चाहता है उसके अगेंस्ट में ही होता है ठीक है तो यहाँ पे एंथम रिप्रेजेंट्स द गुड डिज़ायर टू रिफॉर्म और यू कैन सी द बेटर नेचर ऑफ सोपी द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसका रिप्रजेंट uh, कर रहा है सो ये स्टोरी है किस चीज़ के बारे में बिफोर यू रीड हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन सिचुएशन इन विच वॉट हैपन वॉज द अपोजिट ऑफ वाट यू एक्सपेक्टेड क्या तुमने कभी कोई ऐसी सिचुएशन देखी है और तुम अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में पाए हो जिसमें आपने जो भी चाह उसके उल्टे ही हुआ है इफ सो so, अगर हुआ है ऐसा आपके साथ कि आप जैसा चाह रहे हैं उसके उल्टे ही हो रहा है सो यू आर फेमेलियर विद द सिचुएशन विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन तो आप इस तरीके की सिचुएशन की परेशानी के बारे में क्या है फेमेलियर है मतलब आप जानते हैं विच इज़ आफ्टन एम्बेरसिंग जिससे आदमी क्या होता है अक्सर बहुत दुखी हो जाता है द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन और ये स्टोरी जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये इसी तरीके की बहुत सारी सिचुएशन के बारे में है सो द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ सोपी सोपी इज़ अ होमलेस जॉब

We will discuss it in detail in this video. Sorry. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर मेडिसन चौराहे पर बैठ करके अपनी सीट में बेचैनी से सोपी हिल रहा होता है मूव कर रहा होता है इधर उधर हिल रहा होता है देर आर साड साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग क्योंकि बहुत सारे साइन वो देख चुका होता है जिससे पता चलता है कि ठंडी आ रही है ठीक है बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ चिड़िया क्या है साउथ की तरफ उड़कर जाने लगी हैं People want new warm clothes. न्यू warm कोट्स लोग क्या है नई गरम गरम कोट क्या है चाहते हैं खरीद रहे हैं एंड सोफी मूव रेस्टलेसली ऑन ही सीन इन दर्क सोफी एक पार पार्क में बैठा रहता है उस पार्क में बैठ करके अपनी सीट में बेचैनी से घूमता है ये सब सोच करके when यू सी दीज साइंस जब आप इस टाइप के साइन को देखें कि लोग क्या है कपड़े खरीद रहे हों और क्या चिड़िया उड़ कर जा रही हों सो यू नो दैट विंटर इज न तो आपको पता चल जाता है कि ठंडी करीब है तो ऐसी सोफी को भी पता चल गया आ डेड लिव फेल एट सोफी फेट सोफी सोफी की पैरों पर एक क्या है पत्ती डेड लीव मतलब बेकार सी पत्ती गिर गई सूखी सूखी पत्ती गिर गई दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग उसके लिए यही एक स्पेशल स्पेशल साइन थी पहचान थी अलामत थी इस बात की कि ठंडी आ रही है इट टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन स्क्वायर टू प्रिपेयर ये uh, सब के लिए टाइम हो गया था जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे चौराहे पर रहते थे सब के लिए क्या तैयारी करने का टाइम हो गया था सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट सोपी के माइंड को भी अब ये फैक्ट पर चल गई थी यानी उसके दिमाग में भी ये बात समझ में आ गई थी कि ठंडी आने कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा द टाइम हैड कम कि टाइम आ गया है ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द दॉल वेदर उसका टाइम उसने समझ लिया था कि टाइम आ गया है अब उसको कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी अपनी केयर करने के लिए जहाँ पे वो ठंडे मौसम में अपनी केयर कर सके ख्याल कर सके एंड देयर फॉर ही मूव रेस लेस्ली ऑन हिज सीट इसलिए ये सो, सोच सोच करके वो अपने सीट पर क्या कर रहा था बेचैनी से घूम रहा था सोफीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई सोफ़ी की उम्मीद है ठंडी के लिए बहुत ऊँची नहीं थी उसकी उम्मीदें बहुत लंबी लंबी ख्वाहिश नहीं सोच रहा था वो ठीक है उसकी बड़ी 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 डिजायर नहीं थी उम्मीदें नहीं थी ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप वो दूसरे लोगों की तरह क्या है शिप पर बैठ करके कहीं और जाने की नहीं सोच रहा था ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथ स्काइ वो साउथ के पहाड़ों की आसमानों की आ, के बारे में नहीं सोच रहा था कि उड़ करके वहाँ चला जाए चिड़ियों की तरह और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स या वो क्या है नेपाल के खाड़ी के बारे में भी नहीं सोच रहा था थ्री मंथ्स इन द फ्रीजन ऑन ब्लैक वेल्स

एवरी नाइट थ्री मंथ सेफ फ्रॉम दल नॉर्थ से खाना रोजाना वो चाहता था और हर रात में एक बेड चाहता था तीन महीने क्या है वो कम से कम ठंडी नॉर्थ विंड से यानी ठंडी uh, क्या है uh, उत्तर की हवाओं से uh, वो uh, सेफ रहना चाहता था एंड सेफ फ्रॉम कॉफ्स ऑफ और क्या है मिस और पुलिस से भी सेफ से रहना चाहता था क्योंकि वो भिखारी था इधर तो घूमता था रात में पुलिस भी क्या है धुदकती थी फटकारती थी तो पुलिस से भी वो सेफ से रहना चाहता था, था तीन महीने कम से कम ठंडी में दिस इज वॉट सोफी वॉन मोस्ट इन द वर्ल्ड यही वो चीज़ थी जो सोफी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था फॉर ईयर्स ब्लैक वेल्स आईलैंड हैड बीन हिज विंटर होम सालों से तो ब्लैक वेल का आइलैंड उसका ठंडी का घर रहा था यानी ठंडी में वही रहता था रिचर न्यू यॉर्कर्स मेट देर प्लान टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियनियन सी ईच विंटर कह रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क के मालदार लोग होते थे अमीर लोग होते थे वो तो फ्लोरिडा जाने का प्लान बनाते थे या कहां पे मेडिटेरियनियन सी यानी समुद्र के हर विंटर में हर ठंडी में सब मेडिटेरियन मेडिटरियन सी यानी समुद्र के किनारे पर जाने की क्या है का प्लान बनाते थे बट सोफ़ी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड आईलैंड लेकिन सोफ़ी ने अपना आईलैंड यानी ब्लैकवेल आइलैंड जाने का प्लान बनाया ये आइसलैंड कोई नहीं पड़ेगा ये आईलैंड होता है बार बार मैं क्या बतला चुका हूँ ठीक है uh, ये एस आइलैंड होता है एंड नाव द टाइम हैड कम और अब टाइम आ गया था थ्री बिग न्यूज पेपर सम अंडर हिस्सो तीन बड़े बड़े न्यूज पेपर कुछ उसके कोर्ट के अंदरों पर नाइट इन दर्क पार्क के अंदर ठंडी में वो उसको गर्म नहीं कर पाते थे यानी इससे उसकी ठंडी नहीं आती थी सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आईलैंड इसलिए सोपी ब्लैक आइलैंड के बारे में सोच रहा था देर आर प्लेसेज इन दिटी वेयर फूड एंड अ बेड सिटी में कुछ जगहें थी जहाँ पे वो जा करके खाना या बेड मांग सकता था दिस वुड बी गिवेन टू हिम ये सब चीज़ें उसको दी जा सकती थी यानी मिल सकती थी ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अन अदर वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग क्या है चला जा जा सकता था एंड ही वुड बी टेक केयर ऑफ थ्रू द विंटर ऑफ पूरी ठंडी में क्या है उसकी अपनी टेक केयर आ, अपने अपना ख्याल रख सकता था इसी इसी तरीके से कि उसका कोई दूसरा ख्याल रख लेता एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा जा करके बट ही लाइक ब्लैक वेल्स आई लैंड लेकिन वो ब्लैक वेल आई को बहुत ज़्यादा पसंद करता था कि वहीं जाएगा तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा उस उसके पसंद वही थी सोफीज स्प्रेट वॉज प्राउड यानी बहुत सारे तरीके थे अब ठंडी बिताने के लेकिन वो ब्लैक वेल ही को उसके दिमाग में चढ़ा हुआ था सोफीज स्प्रेट वॉज प्राउड क्यों इसलिए कि सोपी की जो आत्मा थी उसके अंदर गर्व था और अना थी उसकी उसकी अना उसको परमिशन नहीं दे रही थी कि, कि किसी के घर पे जाकर क्या है वो ठंडी बिताए इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस क्योंकि उसके अंदर इतनी अना थी कि अगर वो इन जगहों में से किसी जगह चला जाता किसी के घर चला जाता किसी और बिल्डिंग में चला जाता बिल्डिंग टू बिल्डिंग क्या घूमता तो फिर देर वर सडन थिंग्स ही हैड टू डू तो अगर वो इन, इन चला गया वो सोचता था कि अगर वो इन जगहों में चला गया ब्लैकवेल के अलावा ब्लैकवेल आइलैंड को छोड़कर कहीं और इसके उनके घर गुजारना लगा तो कुछ चीज़ तो ज़रूर होगी जो उसे करना पड़ेगा वो क्या इन वन और अनदर वे ही वुड है गेव हिम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी तरीके से उसको देना पड़ता पे करना पड़ता उस चीज़ को का पेमेंट देना पड़ता जो उसको मिलती जो उसको लोग देते यानी जो उसको मिलती यानी खाना कपड़ा और क्या है, बिस्तर मिलता तो कुछ ना कुछ क्या है, उसका पेमेंट करना पड़ता है कैसे दे वुड नॉट एस हिम फॉर मनी लोग पैसा तो उससे मांगते नहीं बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी लोग कम से कम इतना तो कहते बॉडी क्या धुलो यानी नहाओ नहाने के लिए जरूर कहते तो हैं गंदा संदा रखता तो, तो उसके दिमाग में चल था कि कम से कम क्या है जिसके पास जाऊंगा तो वो कम से कम मुझे नहाने के लिए जरूर कहेगा दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन वो कुछ ना कुछ आंसर मांगेगा किसी ना किसी क्वेश्चन का सो so, ये उसके दिमाग में चल रहा था दे वुड वॉन्ट नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ अब वो मेरी लाइफ के बारे में उसकी लाइफ के बारे में हर कुछ सब कुछ जानना चाहेंगे तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से उसकी आना उसको परमिशन नहीं दे रही थी किसी के घर आ, या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में क्या टाइम बिताने की ठंडी पर इसलिए वो कहाँ जाना चाहता था ब्लैक विल में नो no, तो ये सब सोचता था नो no, बोला नहीं नहीं ये सब नहीं करना है प्रिजन बेटर देन दैट इन सब से क्या है uh, ज, जेल ही बेहतर था उसके लिए द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो जेल के कुछ रूल होते हैं जो उसको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है मानना पड़ेगा बट इन प्रिजन फ्रीजन अंटलमैन ऑन लाइफ वॉज स्टिल ही ऑन लाइफ लेकिन एक जेल में एक शरीफ आदमी की जिंदगी की तरह उसकी भी जिंदगी होगी सो हैविंग डिसाइडेड टू गो सॉप ही है सो so, आईलैंड uh, जाने का डिसीजन ले लिया और एट वंस बिगन टू मूव टूवर्ड्स डिजायर और फॉरन वो अपनी चाहत की तरफ मूव कर गया चलने लगा सो स्टूडेंट्स दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द खोप एंड द एंथम ऑफ द एलियन हैंड द सप्लीमेंट रीडर फॉर क्लास सेवन आई होप यू गॉट इट इन इट की द